रहे हो क्या पहले ना यार फ्रेंड है तो फ्रेंड आप लोग उधर ही बात करो उधर ही मिलो यार मेरे से क्यों आप जब गुस्सा क्यों होगी उसी से कर लेते ना हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे और गाय सुरक्षित होंगे। आज ना बहुत ही तगड़ा फ्रैंक होने वाला क्या तगड़ा फ्रैंक होने कि मेरी एक्स ना मेरे घर पे आ रही है और वंदना जी से मिलने के लिए। तो इसी बहाने में आज वंदना जी का क्या रिएक्शन होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे क्योंकि वंदना जी तबीयत सही नहीं है वंदना जी का तो इसके वजह दीदी के रूम में नीचे है तो और मुझे कैमरा वैमरा सेटल करना फिर देखते हैं उसका आने का वेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा हमारे चैनल पे नहीं तो जल्दी फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मुझे फटाफट कैमरा सेटल करना पड़ेगा फिर देखते हैं वंदना जी रिएक्शन। फाइनली कैमरा सेटल करते हैं और वंदना जी आने का वेट करते हैं चलिए फिर दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो आ गया। ओह नो अरे बैठी थी यार नीचे क्या कर रही थी बैठी ऐसे बैठी थी टीवी देख रही थी। अरे मैं बोल रहा था क्या मैं बोल रही थी क्या खाना खाना बनाई हूँ खाना नहीं बनाई हूँ सब्जी मंगवा लेना रोटी बना दूंगी बाहर से ऑर्डर करके मंगवा दूंगा। हाँ, वही तो बोल रही हूँ रोटी बना दूँ मैं बोल रहा था क्या मैं एक ना मेरी फ्रेंड आ रहा है मिलने के लिए तुम्हारे से मुझसे मिलने क्यों आ रही है। हाँ यार वो मिलने के लिए आ रहा है तो उसने बोला कि मेरा ऑफिस का ही ये फ्रेंड है तो उसने बोला कि तुम्हारे पे भी आता हूँ मिलने के लिए। नहीं वैसे मिलने के लिए क्यों आएगा फालतू का तबीयत तो सही नहीं है ये फंस गया सी है इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नहीं मेरे को नहीं मेरे फालतू भी फालतू है मेरे को नहीं। अरे तुम मिलने में क्या दिक्कत है तुम्हें मिलने में क्या दिक्कत तक कोई तकलीफ हो रहा है मिलने में क्यों लाना है पर घर पे किसी को बाहर से क्यों लाना है आपको फ्रेंड है तो फ्रेंड आप लोग उधर ही बात करो उधर ही मिलो उधर ही बात करो प्यारी समझ गई। अरे तो थोड़ा बहुत बात होता है तो उसने बोला कि ऑफिस में काम करती तो बोला कि तुम्हारे बीबी से मिलना चाहता हूँ शादी के बाद मिला नहीं क्योंकि तो उधर ही मिला नहीं मिल पाया तो मैं शादी में वो आया था तो क्यों मिलना चाहती है मुझसे। अरे वो बोला कि तुम्हारे बीबी देखूंगा कैसा है देखने में क्या है बोला भूत नहीं दिखती है नहीं किसी से भी मुझे नहीं मिला मुझे किसी को घर में नहीं बुलाना फालतू का इतना काम हो जाता कौन करेगा बताना मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे तो कोई नहीं बाहर से खाना मंगवा देंगे थोड़ा बना देना खाना और क्या है मैं खाना बना दूं मुझे नहीं बनाना खाना। अरे मिल लेना ना तो क्या दिक्कत मिलने में क्या प्रॉब्लम है वो कभी मिली नहीं है हमारे शादी में ही आया था वो शादी में ही देखा था शादी में वो आया था उसके बाद मिली नहीं वो गुस्सा हो रखी है यार मेरे से। क्यों आप जब गुस्सा क्यों होगी शादी में नहीं आ पाई तो फिर कोई बात नहीं है गुस्सा इसमें गुस्सा होने वाला कौन सा बात है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है ना यार क्या फंस गया सी है इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया तभी से गुस्सा हो गई है तो इसके लिए बोला कि तुम्हारे से मिलने क्या बोल रहे हो समझ में आ रहा है कुछ भी बोल रहे हो क्या क्या मतलब आपका चालू हुआ है अभी तक मतलब बात करते ही हो मतलब एक्स थी तो थोड़ा अभी तक आपका बात गुस्सा हो गया था अब जाके वो बात करती थोड़ा बहुत। हाँ तो वही अभी भी बात करती है क्यों भाई अभी किस लिए अभी क्यों बात तो तुम्हारे साथ में शादी हो गया तो वो गुस्सा नाराज चल रही थी इसके वजह से बोला कि तुम्हारे बीबी से मिला नहीं हूँ मिल लूंगा तुम्हारे बीबी से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तक उसका कांटेक्ट कैसे है क्यों है आप। अरे तो गुस्सा हो गए थे ना अभी बीच में बात प्यारी समझ गई गुस्सा हो गई थी बड़ी उसकी टेंशन है आपको गुस्सा हो गई थी तो उसको घर में लाओगे मुझे दिखाने के लिए कैसी है कैसी नहीं उससे नहीं कर पाए ना तुम्हारे से हो गया जिसके वजह से गुस्सा कर लेते ना उसी से गुस्सा हो गई ना फ्रेंड आ गई बीच में अभी तो तुम आए ना इसके वजह से बोला तुम्हारे बीबी से मिलूंगा वाह क्या एक्टिंग कर वो देखना चाहती है कि तुम कैसी है क्या देखने में कैसी लगती है बोला भूत नहीं है। अरे यार अच्छे से जैसे तुमसे घर का सफाई वफाई कर लो ढंग से और जैसे तुमसे बिठा लो मैं कुछ भी नहीं करने वाली ठेका ले रखी हूँ
नौकरानी थोड़ी ना हूँ, मैं ठेका ले रखी हूँ, जहाँ सबको लेके आओ, बाहर से अपनी एक्स को लेके आओ और मैं घर में सब कुछ काम करूँ। ऐसे तो मिलने में क्या दिक्कत प्रॉब्लम है यार, मिलने में क्या दिक्कत प्रॉब्लम जा रहा है? मुझे है, मुझे नहीं मिलना है। मैं क्यों किसी से मिलूँ और वो भी एक्स से क्यों मिलूँ? अरे तो था पहले ना, तो वही तो बोल रही हूँ, मिलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है मुझे, तो मिल लियो ना। क्यों मुझे नहीं मिलना है, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? मिल लियो ना, आ रही है वो, आ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में नहीं आ रहा है, फोन की थी कि मैं निकल रहा हूँ घर से, वो निकल चुकी है। हाँ, उसको मना कीजिए फोन करके, बोले मेरी वाइफ घर में नहीं है, घर में कल कोई। खत्म, बाय बाय, टाटा। खाने के लिए खाना वाना बना दे यार, कुछ बेशरम इंसान हो। मेरा तबीयत नहीं सही है, फिर मैं बोल रही हूँ बाहर सब्जी मंगाना, फिर आप बोल रहे हो कि मैं बना दूँ, खुद बना लेना, खुद ठूस लेना और उसको दे देना। मैं नहीं बना रही हूँ, बना देना। खाना तो बनाने के लिए मैं बोल नहीं रही हूँ, खाना बना दूँ और बोल रहे हो कि कुछ बना देना उसके लिए। मुझे कुछ नहीं बनाना आता है, खुद आप बना देना ना, आपकी वो गर्लफ्रेंड है ना, फ्रेंड है ना आपकी, बना लेना खा लेना, उसे मत बात कीजिए। मैं जा रही हूँ दीदी के। अरे तो नहीं आया, तो मैं आई हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। एसिड उसिड बिछा दे बढ़िया, थोड़ा साफ सुथरा, और ये शरीर में थोड़ा बढ़िया से मेकअप का बाल जोड़ के झाड़ के ऐसे रेडी रहो। तुम्हारे से मिलना नेचर देखना चाहती हूँ, कैसी है वो, कौन है? नेचर देखना चाहती तुम्हारी बीबी का, वो बोलती है नेचर कैसे है तुम्हारे बीबी, देखने में कैसी है? जैसी हूँ वैसे सही है। मैं उनको किसी को नहीं दिखाना, मुझे किसी को नहीं दिखाना, मैं क्यों दिखाऊं? हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अरे तू, मैं तैयार हुआ कुछ भी नहीं होने वाली, यही ड्रेस पहनूंगी। तो कभी आती नहीं है यार, पहली बार उसने बोला आ रहा हूँ, गुस्सा हो गई शादी में, इसके वजह से वो आ रही है, तो आती नहीं है कभी, तो इसके वजह से वो बोला आता हूँ तुम्हारे बीवी से मिलने के लिए। मिल लेना, क्यों पर मिलना है? मुझे नहीं मिलना है ना, मुझे किसी से भाई नहीं मिलना, मैं वो किसी से भी नहीं मिलना। अरे मिल लिए ना, मेरे को नहीं मिलना है किसी से भी। अरे तो मिल लिए ना, आ रही है वो। अरे तो आप बोल तो रही हूँ, आप मिलो, आप बात करो, आपकी फ्रेंड है, मेरी तो फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है जो मैं उसको खाना खिलाऊं और उसके लिए तैयार हूँ, उसके लिए बेडशीट, न्यू बेडशीट बिछाऊं, ये सब मैं उसके लिए। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। मिलने के लिए तुम्हारे से आ रहा है यार, मैं मेरे से क्यों मिले यार, मैं पहचानती नहीं हूं, क्या मिलेगी? तो मैं नहीं उसको पहचानती ना, मैं जा रही हूँ, मैं दीदी करूँ, मैं बैठी थी। तुम्हारे से मिलने के लिए आएगा, तो मेरे थोड़ी मिलने के लिए आएगा नी? मुझसे बहस मत कीजिए, मेरा वजह भी तबियत नहीं सही है। मिल लेना, मिलने में क्या दिक्कत है यार, मैं जा रही दीदी करूँ, मैं बैठी। इसको बढ़िया से बिछा, थोड़ा बिछा दे, मैं कुछ नहीं कर रही। अरे बिछा दे, कैसा यार इज्जत डाउन करवा रही तुम? किसे? मैं से पूछे थे, मुझे पूछे थे कि फ्रेंड आ रही, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आ रही है तुमसे मिलने के लिए, घर सब संभाल कर रखना। अरे तुम आप बेशरम इंसान तो आप हो, फालतू का इधर से उधर बुलाते हो, अभी तक बात करते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भी दिमाग नहीं खराब करने। प्यारी समझ गई, मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं मिलना है। कहाँ जा रही है? मेरे को नहीं। अरे कहाँ जा रही है यार, चल ना यार, वो आने वाली है। अरे छोड़े यार, मेरे को नहीं मिलना है। अरे तुम्हारे से मिलने के लिए आ रहा है यार, तुम क्यों ऐसे कर रही है? और खाना पीना चाय बना के देना, नाश्ता पानी बढ़िया बना के दे देना, थोड़ा सा सपने अपने देख रहे पहली बार। तो पहली बार आ रही, तो क्या करने आ रही है, वही तो पूछ रही हूं मैं। तुम्हारे से मिलने के लिए आ रही हूं, शादी के बाद तुम्हारी बीवी देखने में कैसी है, क्या है नेचर, क्या है देखना चाहती, तुम्हारी बीवी कैसी खाना बनाती है, वही सब देखने के लिए आ रही हूं। क्यों? वो क्या मेरी सास है? कौन है जो मुझसे मिलेगी अगर मेरा खाना पीना सब कुछ देखेगा? क्या नहीं बनाने आता मुझे, नहीं बनाने आता, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, क्या करेगी बताना? तुम्हारे से मिलने आ रहा है यार, क्यों मेरा इज्जत डाउन करवाएगी? तुम मिल लेना ना, क्या दिक्कत है उसमें? गजब बेइज्जती है, क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया बेसिक से सफाई वफाई करके रखते यार, कुछ नहीं करना, दिमाग मत मेरा खराब कीजिए। अरे यार क्या प्रॉब्लम जा रही है मिलने में तुम्हारे से? मिलने में क्या मेरा मन, मुझे नहीं मिलना है, मेरी फ्रेंड है नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना है। मेरी आई ना, तो एक से बोले तो गुस्सा क्यों दिला? मिलने में क्या ये गड़बड़ है बाबा? आप उसको खाना ठुसाओ, जो बनाना है बनाओ। नो 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 नो, ऑर्डर करके मंगवा दो, मिल लेना उसे। नहीं तभी भी आएगी भी नहीं, फोन करके मना कर दो, मेरा दिमाग वो निकल चुकी है।
निकल चुकी तो घर नहीं जा सकती क्या डायरेक्ट भाई? अबे मना क्यों करूँ यार? हाँ तो मिल लो, बुला लो, जो करना है कर लो, मैं जा रही हूँ नीचे। तुम्हारे से मिलने आ रहा है यार। मुझे नहीं मिलना है, वो मुझसे मिलने नहीं, वो आपसे मिलने आ रही है। आपकी फ्रेंड है, आपकी जो भी है वो आपसे मिलेगी। मैं बात तो सही है, आप मिलो, खिलाओ पिलाओ, जो करना है वो करो। दिमाग खराब करके रखते फालतू गिरी, पता नहीं आप करते कहाँ से, वो समझ में नहीं आता मुझे। खाली टेंशन और फालतू का वो करते रहते हो। फ्रेंड आ रही है, मिलने में क्या दिक्कत जा रहा है? नहीं मिलना है ना मुझे, बुला लो खुद से। ये फंस गया सी है, छोड़ मेरे को। अरे कहाँ जा रही ये? छोड़ कैमरा लगा रखा था उधर, फ्रेम कर रहा था, रिएक्शन दिखाना चाह रहा था कैसी एक्स। आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। कैसा लगा फ्रैंक वंदना जी का रिएक्शन? यही था गाइज। तो गाइज हमारा ना लव जॉन्स ब्लॉग पे अपलोड हो चुका है। तो वंदना जी का जो प्रॉब्लम हुआ था स्लाइन लगा, तो वहां पे जाके देख लीजिए वंदना जी के साथ में क्या हुआ है। तो गाइज जाके इसी चैनल के नीचे ना दूसरा चैनल है, वहां पे जाकर देखिए और प्यारा सा कॉमेडी से मतलब प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है, तो वहां पे जाके देख लीजिए वंदना जी के साथ में क्या हुआ है। तो जाइए जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइए बंदी जाएगी रिएक्शन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड वीडियो में, तब तक के लिए।